हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होंडा ने कुछ ही समय पहले होंडा शाइन 100 को लॉन्च किया और वो अपने सामने हाजिर है। 100 सीसी सेगमेंट की एक और नई बाइक है होंडा की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके कॉम्पिटिशन में और कौन सी बाइक्स है, किस प्राइस सेगमेंट में है ये बाइक, और आखिर में जानेंगे कि उन बाइक्स को छोड़ के आपको इसे क्यों लेना चाहिए या फिर इसे छोड़ के आपको उनको क्यों लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और बाय द वे, स्पेशल थैंक्स टू अधिकारी ऑटोमोबाइल जडेश्वर, जिन्होंने मुझे मौका दिया वीडियो निकालने का। अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हर बार की तरह शुरू करते हैं सामने से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब दिया गया, LED देना चाहिए था हेडलैम्प, लेकिन हेलोजन बल्ब के साथ आता है। उसके बाद हेलोजन इंडिकेटर्स, मड गार्ड यहाँ पे आपको मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है, रिफ्लेक्टर आपको दिखता है कुछ इस तरह का। फ्रंट व्हील की बात करें तो 17 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है, ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये कलर जो स्कीम है ब्लैक एंड ग्रे स्ट्राइप कुछ इस तरह का कहते हैं इस कलर स्कीम को, और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद रियर में आपको एडजस्टेबल शॉक एब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है, यहाँ पे पिलियन फुट रेस्ट, यहाँ पे स्टारी गार्ड। बात करें टेल लैम्प की तो टेल लैम्प आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है चारों के चारों, और मड गार्ड फाइबर का रियर में, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। रियर व्हील की बात करें तो रियर में भी आपको 17 इंच का व्हील मिलता है, यहाँ पे चेन कवर प्लास्टिक का, ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक का चेन कवर है यहाँ पे। और रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और इस तरफ एग्जॉस्ट कुछ दिखता है इस तरह का, यहाँ पे फुटेज दिया गया है, यहाँ पे साइलेंसर गार्ड भी कह सकते हो आप इसे। और अभी बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसमें आपको 98 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो पावर जनरेट करता है लगभग 7.28 BHP और 8.05 NM ऑफ टॉर्क का। उसके बाद साइड में यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे शाइन की बैजिंग, 100 आपको कहीं भी लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता है, और हॉर्न आपको सिंगल हॉर्न दिया गया है यहाँ पे। बात करें फ्यूल टैंक की तो 9 लीटर्स की फ्यूल टैंक दिया गया है शाइन 100 में, और माइलेज की ऑफिशियली अभी तक कन्वील नहीं किया गया तो मैं आपको वो नहीं बता सकता। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे आपको फुल्ली एनालॉग देखने को मिलता है, डिजिटल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, देना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल हर स्कूटीज या फिर बाइक्स पे डिजिटली दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एनालॉग देखने को मिलता है। और यहाँ पे सारे स्विचेस, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर्स, हॉर्न, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, बस यही सब है इस बाइक में, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा बाइक बना दिया है होंडा ने यहाँ पे, ज़्यादा कुछ फीचर्स भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे पहले जो शाइन आया करता था वही शाइन दे दिया है कलर चेंज करके आपको। तो अभी बात करें प्राइसिंग की तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है लगभग 65,000 के आसपास है एक शोरूम प्राइस, और अधिकारी ऑटोमोबाइल जडेश्वर में ये आपको पड़ेगा लगभग 80,000 के आसपास। तो अभी बात करें इसके जो राइवल्स है, मतलब बजाज प्लाटिना 110, हीरो स्प्लेंडर 100, आपको उन्हें छोड़ के आपको इसे क्यों लेना चाहिए, तो भाई मुझे तो नहीं लगता आपको इसे क्यों लेना चाहिए भाई, बस ग्राफिक्स आपको नया कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलता है और होंडा शाइन है इसी वजह से, या फिर आपको इसे छोड़ के उसे क्यों लेना चाहिए भाई। उन बाइक्स में आपको ज़्यादा कुछ तो अंदर नहीं है भाई, लेकिन उनमें आपको DRL देखने को मिलता है, प्लाटिना में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है, और लोग आजकल लोग LED की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो इस वजह से भाई ये तो पिटने वाला है गारंटी। तो भाई इस बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने को, तो वीडियो यहीं तक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।